और दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेस पे। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलेज के छात्र जितने भी हैं, जरूरी सूचना आप लोग के लिए है, आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर अचानक बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बदलाव, अगर ये अपडेट आप मिस करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल करते हो, क्योंकि वो बदलाव आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम निवेश करते हुए बदलाव की ओर बढ़ते हैं। और जो यहाँ पर बड़ा चेंजेस किया गया है, अचानक बदलाव किया गया है, ठीक है, उसको बता दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करा लिया है और ऑलरेडी जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अभी शेष बची हुई हैं। उसी के क्रम में यहाँ पर दोस्तों बता दें आपको कि यहाँ पर परीक्षाएं आपकी कुछ चल रही हैं और अचानक कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है कि आपकी परीक्षाओं के लेकर अचानक बदलाव किया जाता है। बदलाव ये है कि आपकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं बीए की, और इसके साथ में आपको बता दें कि 1 जुलाई 4 जुलाई को उसको जो है फिलहाल, ठीक है, और इसके बाद जो है 28 जून को आपकी जो परीक्षाएं होनी है, इसको जो है परीक्षा अब आपकी 1 जुलाई से 4 जुलाई को, और प्रथम पाली में बीए प्रथम वर्ष को जो है परीक्षा आपकी 19 अगस्त से 13 जुलाई को, तृतीय पाली में बीए तृतीय की आपकी 26 अगस्त से 15 जुलाई की, तृतीय पाली में बीए और बीकॉम की ये आपकी 16 जुलाई से होने जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कह सकते हैं कि अचानक ये फैसला लिया गया, क्योंकि आपकी परीक्षाएं फिलहाल अभी चल ही रही थी और उसी बीच जो है आपकी ये चेंजेस किए गए कि जो भाई 28 जून को आपकी तृतीय पाली में बीए तृतीय वर्ष की फारती की परीक्षाएं हैं उसको अब 1 जुलाई से 4 जुलाई को होने वाली है बीए प्रथम वर्ष की। इस तरीके से परीक्षाओं को जो डेट शीट है उसमें चेंजेस किया गया है, बदलाव किया गया है, भारी बदलाव आप कह सकते हो। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए स्नातक में उर्दू फारती के प्रश्न पत्र की परीक्षा की तिथि भी बदली गई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि स्पेशली एक ही यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को टारगेट करके आप लोग को अपडेट ना दी जाए। सभी बच्चे जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग अपडेट पहुंचाई जाए, ताकि उनको कोई भी न्यूज़ जो है उनको पहुंच सके और हमारे चैनल के माध्यम से उनकी मदद हो सके। तो यहाँ पर ये काफ़ी बदलाव किया गया था, तो यहाँ पर मैंने आपके बीच शेयर कर दी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी, आपको पता चल गया होगा, और अगर आपको पता चल गया है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। और भी कोई आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके कोई भी विश्वविद्यालय से आप अध्ययन कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिर आप कोई सी मतलब कोर्सेज की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप फॉलो करके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं इसी तरीके से नए अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।